यस सर। ठीक है, कैपेसिटर का काम क्या है? स्टोर चार्ज एंड एनर्जी। कैपेसिटर क्या स्टोर करेगा? चार्ज एंड एनर्जी। कौन सी एनर्जी? कैपेसिटर कौन सी एनर्जी स्टोर करेगा? पोटेंशियल पोटेंशियल एनर्जी। वेरी गुड। इलेक्ट्रोस्टैटिक भी कह सकते हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी, राइट। एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि जो हमारा क्यू है वो किस पे डिपेंड करेगा? पोटेंशियल पे। तो जब प्रोपोर्शनलिटी के हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को मैंने नाम क्या दिया है? सी। इसका मतलब ये हमारा कैपेसिटेंस है, राइट। सी को हम लोग क्या बोलते हैं? कैपेसिटेंस। सी की यूनिट क्या है? फैरेड। तो ध्यान रखना, फैरेड अलग होता है और फराडे अलग होता है, ठीक है। यहां पर सी का मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, कैपेसिटेंस जिसकी एसआई यूनिट मैंने क्या बताई? फैरेड। तो क्या मैं सी को क्यू बाई वी कह सकता हूं? अगर हम वोल्टेज को डबल करेंगे तो सी पर और क्यू पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? सर भी डबल होगा, सी वैसे ही पर तो इफेक्ट नहीं कांस्टेंट पड़ेगा। रहेगा। सी कांस्टेंट रहेगा, बहुत बढ़िया, ये इंपॉर्टेंट बात थी, सी कांस्टेंट रहेगा। इसका मतलब मैं एग्जांपल से कुछ समझाना चाहता हूं, सी कांस्टेंट रहेगा और क्यू डबल हो जाएगा। इसके अलावा फंडामेंटल बात हमारी कौन सी है? क्यू इक्वल टू सी वी या क्यू इज प्रोपोर्शनल टू वी, ठीक बात बोली। इसका मतलब अगर तुम वी को बदलोगे तो क्यू बदलेगा, सी पे इफेक्ट नहीं आएगा। तो क्या मैं कह सकता हूं सी इज इंडिपेंडेंट ऑफ क्यू और वी, ठीक बात बोली। सी इज इंडिपेंडेंट ऑफ क्यू एंड वी। इसका मतलब अगर तुम V को बदलोगे तो Q बदल जाएगा, C पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। C डिपेंड ऑन शेप, साइज एंड मीडियम, ठीक बात बोलिए। इसका अगर मैं शेप बदलूंगा तो कैपेसिटेंस सेम रहेगा, बदल जाएगा। जाएगा हाँ, शेप बदलोगे तो बदल जाएगा। साइज मतलब छोटा बड़ा कर दिया था सर, बदल जाएगा। तब भी बदल जाएगा। मीडियम का मतलब पहले एयर थी, बाद में मान लो कोई मैंने प्लास्टिक डाल दिया, रबर डाल दिया, तो एक बेसिक बात समझ में आ गई कि भाई चार्ज का फॉर्मूला क्या है, क्यू इक्वल टू सी वी। सी कौन है? कैपेसिटेंस। कैपिटल्स बिल्कुल सही। और वी हमारा कौन है? वी हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। अब देखते हैं सी ऑफ सिंगल स्फीयर।
ठीक है, हमारे पास स्फेयर है, इसकी रेडियस कितनी है, कैपिटल आर, और चार्ज कितना है, कैपिटल क्यू। तो क्या हमें पोटेंशियल का फॉर्मूला पता है, के क्यू बाई आर। ठीक बात है, के का मतलब मैं क्या लिखना चाह रहा हूं, वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्यू को सीवी। तो क्या वी से वी कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक बात है। अब अगर मैं बोलता हूं रेडियस 1 मीटर है, एक स्फीयर है जिसकी रेडियस 1 मीटर है, तो उसका कैपेसिटेंस कितना होगा सर, के के तो नहीं होगा, 1/k। हाँ, 1/k है ना, ध्यान दिया ना, ये 4πε0 है जिसकी वैल्यू 1/9 × 10⁻¹ होगी। इसका मतलब ध्यान रखना है, ये अगर मैं अर्थ की बात करता हूं तो अर्थ की रेडियस कितनी होती है, किसी को याद है रेडियस ऑफ अर्थ, ₹6400 किलोमीटर। तो अर्थ की कैपेसिटी कितनी होगी, सॉल्व करके बताओ, 4πε0 की वैल्यू क्या है, 1/9 × 10⁻¹ और रेडियस ऑफ अर्थ हमारी कितनी है, 6400 किलोमीटर है, तो उसको मीटर में पुट करना चाहिए, तो ये सॉल्व करके कितना आ जाएगा, देखो मैंने सही लिखा है, 7.1 × 10⁻⁴। बढ़िया, परफेक्ट है। तो क्या इसको हम 711 μF कह सकते हैं, मतलब ऐसा आ गया होगा 7.11 × 10⁻⁴। तो इसको हमने 711 μF कह दिया, तो बहुत ज्यादा कैपेसिटी है या बहुत कम है, कम है। हाँ, पूरी अर्थ की मिलाकर कैपेसिटी 711 है, मैंने बहुत कम है, ठीक बात है। अगर ये क्लियर हो तो आगे बढ़े। यस सर। अब आता है कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर, अब इसमें दो केसेस बनते हैं, दोनों केस देख लो। ठीक है, इनर स्फीयर की रेडियस मैंने स्मॉल आर ले ली और आउटर जो शेल है उसकी रेडियस कैपिटल आर है, इनर वाले पे चार्ज पॉजिटिव दे दिया, कैसा भी चार्ज दे सकते हो, मैंने पॉजिटिव दे दिया है, ठीक है, Q1 चार्ज ले लो, उसमें
तो क्या इंडक्शन से आउटर स्फीयर की इनर सरफेस पे कुछ आ जाएगा जो मैं ग्रीन कलर से शो कर रहा हूं? ठीक है, माइनस क्यू वन, बाहर मैंने क्या कर दी है? अर्थिंग। अर्थिंग करने से क्या हुआ? पोटेंशियल जीरो। बहुत बढ़िया। तो क्या पॉइंट वन टू एंड थ्री दिख रहे? यस सर। ठीक है, तो मैं जानना चाहता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पर है? क्या इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी इनर सरफेस के इनसाइड? यस सर। और आउटर सरफेस के आउटसाइड? क्योंकि जहां पे तुमने अर्थिंग करी है उस अर्थिंग करने पर उस पॉइंट का पोटेंशियल क्या हो जाएगा? जीरो। जीरो। जो आउटर सरफेस पे चार्ज प्लस क्यू ना आना चाहिए था, क्या वो अर्थिंग की वजह से ग्राउंड पे चला गया? Yes. ठीक बात बोली? Yes, जिस भी पॉइंट पे अर्थिंग करोगे वहां का पोटेंशियल पक्का जीरो होगा। अगर आउटर साइड पे अर्थिंग करिए, आउटर मोस्ट स्फीयर पे, तो वहां पे चार्ज भी जीरो हो जाएगा। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ दो स्फीयर के बीच में है क्या? Yes, yes. अब मैं जानना चाहता हूँ वन और टू में किसका पोटेंशियल ज्यादा है? सर वन का। वन का। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज मूव फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, सही है? तो वन पे ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। वन पे पोटेंशियल कौन क्रिएट करेगा, क्यू वन या माइनस क्यू वन या दोनों? दोनों। दोनों। तो एक हो जाएगा के क्यू वन अपॉन स्मॉल आर एंड के माइनस क्यू वन अपॉन कैपिटल आर। टू पे पोटेंशियल कौन क्रिएट करेगा? Q1 या माइनस Q1 या दोनों? पॉइंट टू दिख रहा है सबको? अगर किसी को डाउट आ रहा है तो पोटेंशियल वाली क्लास को रिवाइज करो। अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा ये क्यू वन था, राइट, तो क्या कैंसल आउट हो जाएगा राइट वाला टर्म? वी वन माइनस वी टू कितना आ जाएगा? के क्यू वन कॉमन ले लिया मैंने, वन बाय स्मॉल आर माइनस वन बाय कैपिटल आर। ठीक बात है? क्या V1 माइनस V2 को कुछ कह सकते हैं? सॉरी, V1 माइनस V2 को मैंने V नाम दे दिया, पोटेंशियल डिफरेंस। K का मतलब क्या है? 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्या Q1 को CV कह सकता हूं मैं? और यहां पर एलसीएम ले लिया मैंने, तो V से भी कैंसिल आउट हो गया। C नॉट का क्या मतलब है सर? मीडियम। मीडियम नहीं है, अभी ये वैक्यूम। तो फॉर्मूला बन गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर आर अपॉन आर माइनस आर। ठीक है, अब मान लो तुमने कोई मीडियम भर दिया, कंप्लीटली फिल कर दिया है, तब मैं लिखूंगा C मीडियम इज C नॉट इंटू K। जो C नॉट इंटू के में ये K कौन है? डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, जो क्वेश्चन में गिवन होगा। ठीक है, तो डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट को डालने से कैपेसिटेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा?
बढ़ जाएगी, बढ़ जाएगी। तो ये एडवांटेज है, डायरेक्ट्रिक डालने से कैपेसिटेंस बढ़ जाती है। और यहाँ पर अर्थिंग मैंने इनर साइड में करी थी या आउटर साइड में करी थी? आउटर आउटर साइड। नोटिस करना, मैं कुछ बताना चाह रहा हूँ इसी में, थोड़ा ध्यान देना सभी लोग। सी का फॉर्मूला हमारा है 4πε0 कैपिटल आर स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, राइट। अब मैंने डिनोमिनेटर में कैपिटल आर कॉमन ले लिया है, तो क्या ये 1 माइनस स्मॉल आर बाय कैपिटल आर हो जाएगा? नोटिस करना है मैं क्या बताना चाह रहा हूं, ठीक है। अगर कैपिटल आर काफी बड़ा है स्मॉल आर से, तो स्मॉल आर बाय कैपिटल आर को क्या मैं ऑलमोस्ट जीरो कह सकता हूं? राइट और रॉन्ग? यस सर। तो कुछ आइडिया लग रहा है मैं क्या बताना चाह रहा हूं? C इक्वल टू 4πε0 आर, ये किसका कैपेसिटेंस था? सिंगल स्फीयर का, राइट। तो अगर हमारे पास एक सिंगल स्फीयर है तो उसका कैपेसिटेंस कितना था? 4πε0 आर। इसका मतलब जब सिंगल स्फीयर की बात करता हूं तो हम अज्यूम करते हैं कि दूसरा स्फीयर हमारा कहाँ रखा हुआ है? शेल जो है इनफिनिटी है, इनफिनिटी का बहुत दूर रखा हुआ ना, हमने अज्यूम करा कैपिटल आर इज वेरी बिग ग्रेटर देन स्मॉल आर। अच्छा, जिसको मैं सिंगल स्फीयर कह रहा हूँ वो भी डबल स्फीयर ही है, एक स्फीयर और एक शेल है, बट जो दूसरा पार्ट है वो कहां पर रखा हुआ है? ऐसे बहुत दूर, ऐसा कुछ। ये बात समझ में ही सबको? यस सर। इससे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछ लेता है। अभी जो हमने क्वेश्चन बनाया था उसमें हमने अर्थिंग कहाँ करी थी, इनर सरफेस पे या आउटर सरफेस पे? आउटर। ठीक है, अब मैं बना रहा हूं जिसमें इनर सरफेस पे करता है। ये स्मॉल आर है, ये कैपिटल आर है, ठीक है ना। ध्यान देना तरीका क्या है, इस पे चार्ज मैंने प्लस क्यू दे दिया, इंडक्शन से माइनस क्यू एंड प्लस क्यू आ गए। अब मैंने अंदर वाले को अर्थिंग कर दी, तो ध्यान देना मैंने बहुत क्लियरली बोला जिस पॉइंट पर अर्थिंग करोगे उस पॉइंट का पोटेंशियल पक्का क्या हो जाएगा? जीरो। इसका अलावा वी वन पक्का क्या हो जाएगा? जीरो। जहां पर अर्थिंग करेंगे वहां चार्ज जीरो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, तो जो भी चार्ज था पहले उसको हटाकर उसके मैंने चार्ज क्या ज़ूम कर लिया, क्यू वन डैश। सभी नोटिस नोटिस करा या क्यू डैश? तब कैपेसिटेंस का आएगा 4πε0 कैपिटल आर अपॉन आर माइनस आर। सबों ने नोटिस करा डिफरेंस क्या आया? इस वाले केस में कितना आया था जब आउटर साइड पर अर्थिंग करी थी हमने? फॉर्मूला देखो ध्यान से, 4πε0 कैपिटल आर स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। इसका मतलब न्यूमरेटर में कैपिटल आर और स्मॉल आर दोनों था जब मैंने अर्थिंग कहाँ करी थी, आउटर साइड पर। अभी मैंने अर्थिंग कहाँ करी है, इनर साइड पर। तो मैंने बहुत क्लियरली बोला इनर साइड पर अर्थिंग करने पर
पोटेंशियल पक्का क्या हो जाएगा, जीरो, बट चार्ज जीरो नहीं होगा। और कैपेसिटेंस का फॉर्मूले में सेम रहेगा या थोड़ा डिफरेंस आ गया? कैपिटल आर, कैपिटल डिफरेंस आ गया। हाँ, नोटिस करो क्या डिफरेंस है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर अपॉन आर माइनस आर। ये फॉर्मूला बहुत रेयरली यूज होता है, मतलब ज्यादातर लोग हमेशा फर्स्ट फॉर्मूले को देखते हैं, तो इस फॉर्मूले को नोट रखना, ध्यान रखना, अगर एग्जाम में आया तो थोड़ा प्रॉब्लम कर देता है लोगों को। फ्रिक्वेंटली यूज कौन सा फॉर्मूला है, आउटर साइड बे अर्थिंग वाला, राइट? ठीक बात बोली? यस सर, यस सर। ठीक है, अब हम बात करते हैं सिलेंड्रिकल कैपेसिटर की। ठीक है, देखना ध्यान से मैं क्या बनाना चाहता हूं। जैसे स्फेरिकल कैपेसिटर में कितने स्फेयर थे, दो, वैसे सिलिंड्रिकल कैपेसिटर में मैं कितने सिलेंडर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, दो। देखा सबको, इनर सिलेंडर की रेडियस मैंने स्मॉल आर ले ली है, आउटर सिलेंडर की रेडियस को कैपिटल आर कह दिया है। इनर सिलेंडर पे कुछ चार्ज दे दिया प्लस क्यू सपोज, तो क्या इंडक्शन से रेड वाले सिलेंडर पे कुछ चार्ज आएगा? देखा सबको, आउटर साइड पे भी चार्ज आएगा, बट आउटर साइड पे मैंने क्या कर दी है, अर्थिंग, अर्थिंग, तो जो आउटर साइड पे चार्ज आया था प्लस क्यू, वो रुकेगा या ग्राउंड पे चला जाएगा? ग्राउंड में चला जाएगा। बढ़िया, पॉइंट ए और बी दिख रहा है सबको, तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ जाएगी? सिलेंडर के आउटसाइड कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है? क्या सिलेंडर के बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी, क्योंकि बाहर तो कोई चार्ज ही नहीं है? रेड सिलेंडर के बाहर और ब्लैक वाले सिलेंडर के अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? जीरो, जीरो। ठीक है ना, अब मैं एक पॉइंट सी ले रहा हूं, ध्यान से देखना, यहां पे थोड़ा ध्यान देना, पॉइंट सी की डिस्टेंस मैंने कितनी ले ली, एक्स, तो क्या मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसा कह सकता हूं, ई इक्वल टू लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स, ये मैंने कैसे लिख दिया? क्या मैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग वायर पता है, इक्वल टू लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, याद करू फर्स्ट चैप्टर में था, तो जो मेरा अंदर वाला सिलेंडर है उसकी रेडियस अगर बहुत कम है तो क्या उस सिलेंडर को वायर जैसा मान सकते हो? ठीक बात है, यस सर। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला मुझे पता है, माइनस डीवी बाई डीएक्स। ठीक है,
ठीक है, अप्रोच देखो कि बनता कहां से कॉन्सेप्ट, मेन है कॉन्सेप्ट समझना। एक बार कॉन्सेप्ट आ गया फिर तो क्वेश्चन बनने लगेगा अपने आप। माइनस लैम्डा अपॉन टू पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स डीएक्स। अब मैं इसको क्या करना चाहता हूं, इंटीग्रेट। कहां से कहां तक, ए से बी तक। तो ए के लिए स्मॉल आर लिमिट लगेगी और बी के लिए कैपिटल आर, ठीक बात है। अब ये बताओ डीएक्स बाई एक्स को क्या लिखूंगा, किसी को आइडिया? इंटीग्रेशन ऑफ डीएक्स लॉग एक्स, बहुत बढ़िया। और लिमिट लगेगी स्मॉल आर टू कैपिटल आर। कोशिश करोगे सब आ जाएगा, कोशिश करो बस। क्या डीवी का पोटेंशियल वी हो जाएगा? डीवी का पोटेंशियल इंटीग्रेशन जो हमने करा, तो क्या डीवी का इंटीग्रेशन वी बनेगा? यस सर, लिमिट लगा दी, वी भी माइनस वी है। अब लेफ्ट में मैंने माइनस कॉमन ले लिया है। डायग्राम देख के क्या लगता है, ए का पोटेंशियल ज्यादा होगा या बी का ज्यादा होगा? सर ए का। बहुत बढ़िया, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ए से बी जा रहा है, राइट? अब इसमें लिमिट लगा दो, ये बन जाएगा लॉग कैपिटल आर माइनस लॉग स्मॉल आर, सही बात है? क्या माइनस से माइनस कैंसिल कर सकते हैं? अगर इस सिलेंडर की लेंथ कैपिटल एल है तो क्या मैं लैम्डा को क्यू बाई एल कह सकता हूं, सही बात है? वी ए माइनस वी बी को मैंने वी कह दिया, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक बात है। अब इस क्यू को मैंने लिख दिया सी वी, इससे क्या फायदा होगा? वी कट जाएगा, बढ़िया। और जो मैं लॉग लिख रहा हूं ये बेस ई पे लिख रहा हूं, ध्यान रखना बेस ई पर, ठीक है? तो क्या वी से वी कट गया, तो सी मेरा कितना आ गया 2 pi epsilon naught L upon ln capital R by small r, ठीक बात है? C is equal to 2 pi epsilon naught L upon ln capital R by small r। तो अगर ये फॉर्मूला याद है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज ये प्रोसेस पता होना चाहिए कि अप्रोच क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड को इंटीग्रेट करो और वहां से पोटेंशियल डिफरेंस निकालो। अगर ये क्लियर हो तो आगे बढ़े। यस सर, ठीक है ना? ठीक है, नेक्स्ट हमारा कौन है? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अभी पहली क्लास में सर आइडिया दे दे रहा हूं, दूसरी क्लास में हम लोग प्रैक्टिस करेंगे इस पे, ठीक है? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में हम लोग दो प्लेट्स ले रहे हैं। एक प्लेट पे क्या चार्ज ले रहा हूं मैं, पॉजिटिव, और दूसरे पे कैसा ले रहा हूं, नेगेटिव।
ठीक है। अब ये बताओ लेफ्ट मोस्ट पोर्शन पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? जीरो। राइट मोस्ट पोर्शन पे? जीरो। और इन प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? किसी को याद है? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, बढ़िया। क्या इस इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं वी बाई डी कह सकता हूं? जहां पे डी हमारा क्या है, सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स, एंड वी पोटेंशियल डिफरेंस। क्या सिग्मा का मतलब क्यू बाई ए है? आप सोच रहे हो क्यू को क्या डाल दूं, सी नॉट वी। तो वी से भी कट गया, सी नॉट कितना आ गया, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। ठीक बात है? यस सर। अगर पहले यहां तक की बात क्लियर हो तो मैं आगे कुछ बताऊं। यस सर। ठीक है, अब ध्यान से देखना। कई बार ऐसा क्वेश्चन आता है कि दो प्लेट्स हैं, ध्यान से देखना ये कॉन्सेप्ट। एक प्लेट पे चार्ज मान लो 10 कूलम है, दूसरी प्लेट पे चार्ज कितना है, 2 कूलम। तो टोटल चार्ज कितना है, एक प्लेट पे चार्ज 10 कूलम है, दूसरी प्लेट पे चार्ज 2 कूलम है, टोटल चार्ज कितना हो जाएगा हमारा, 12 कूलम। तो क्या ये फोर फेसेस दिख रहे हैं, ए बी सी डी? ए पे चार्ज कितना होगा, क्यू वन प्लस क्यू टू बाई टू, और डी पे भी इतना ही होगा। तो अब बताओ ए पे कितना चार्ज लिखूं, क्यू वन हमारा 10 है, क्यू टू हमारा कितना है, 2। तो ए पे कितना चार्ज है, 6। और डी पे कितना है, इक्वल है क्या? ये ऐसे दो फेसेस हैं एक प्लेट के, राइट? ऐसा। जो हमारी प्लेट वन थी उसके लेफ्ट साइड पे कितना चार्ज है, 6 कूलम। तो राइट साइड पे कितना हुआ, -6। नहीं, टोटल चार्ज कितना होना चाहिए, 10। अगर एक साइड में 6 है तो दूसरी साइड में 4 होना चाहिए। लॉजिकल लगा? यस सर। वैसे ही दूसरी प्लेट पर कितना चार्ज था, -4। -4 टू सी था। अगर राइट में 6 है तो लेफ्ट में -4 हूं। तो अंदर वाली प्लेट के लिए फॉर्मूला मैंने क्या लिखा है, q1 माइनस q2 बाई टू एंड q2 माइनस q1 बाई टू। तो जो हम q इक्वल टू cv लिखते हैं उसमें कौन सा q आता है, ए बी सी डी में से कौन सा? इक्वल टू सीवी में कौन सा चार्ज डाला मैंने, सर 4 कूलम, जो इनर फेस पे होता है। मैं ये समझाना चाह रहा हूं,
अगर मेरे पास कैपेसिटर ऐसा है तो हमेशा कौन सा चार्ज लोगे, आउटर फेस वाला या इनर फेस वाला? चाहे बी का ले लो चाहे सी का ले लो, मतलब हम बड़े बड़े चार्ज को लेते हैं, पॉजिटिव चार्ज को लेते हैं। ये बात समझ में आ रही तुम लोगों को? ध्यान रखना भी वो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट था। अब हमने क्या करा, डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट कर दिया। तो अब क्या करोगे, कुछ पार्ट में हमने डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दिया है टी पार्ट में, तो किसी को इसका फॉर्मूला पता है? C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी प्लस टी बाई के। तुम्हें कोई फॉर्मूला याद है? नहीं याद है? जो मैंने स्लैब फिल करा है वो कंप्लीटली फिल करा है या कुछ पार्ट फिल करा है? कुछ पार्ट में। अगर कंप्लीटली फिल करता तब क्या बनता है? सर माइनस टी प्लस के होता है।